बिहार के भागलपुर में हुई हिंसा के मामले में फंसे बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अर्जित शाश्वत को बेल मिल गई है। जानकारी के मुताबिक अर्जित शाश्वत पर हिंदू नववर्ष के नाम पर बिहार के भागलपुर के नाथनगर में रैली निकालने और हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसके बाद ही आरोप लगने का बाद अर्जित कई दिनों तक फरार चल रहे थे और फिर पटना में 31 मार्च को सरेंडर किया था। कोर्ट ने तब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि अब एडीजी 4 की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उल्लेखनीय है कि भागलपुर हिंसा मामले में कुल 9 नामजद और 500 से अधिक नामजद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज है। नाथनगर कांड संख्या में आरोपियों की जगदीशपुर में गिरफ्तारी भी हुई थी। अर्जित के सरेंडर करने को लेकर बिहार में राजनीति अपनी चरम सीमा पर थी। उनके पिता अश्विनी चौबे समेत बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने उपद्रव में बेवजह फंसाने का आरोप लगाया था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।